हे वेल हेलो गाइस, वंस अगेन दिस इज राज सिंह और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। मैं नंबर ऑफ टाइम जब लोगों से मिलता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ सर, कैसे बोलूँ। आप अपने वीडियोस में कहते हैं सर कि आप में एक ललक होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। सर मैं खुद चाहता हूँ, वो ललक है मुझ में, वो डेडिकेशन है, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं, इवन मैं फॉरेनर से चैट भी करता हूँ इंग्लिश टू इंग्लिश, उनकी बातें समझता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। बट जब बोलने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीक, तो पता नहीं सारे के सारे मेरे वर्ड्स और सेंटेंस कहाँ चले जाते हैं, मैं बोल नहीं पाता हूँ, एक रुकावट सी महसूस करता हूँ। सर क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं इन लोगों की बात जब सुनता हूँ, समझता हूँ और जो मैंने एनालिसिस किया उससे मैं ये समझ पाया हूँ कि आप लोग डायरेक्टली स्पीड से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपको लगता है कि जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना फ्लुएंट इंग्लिश है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना फ्लुएंट इंग्लिश है। आपकी जो बातें एक फ्लो में आए बस इतना काफ़ी है आपके लिए, फ्लुएंट इंग्लिश बस काफ़ी होती है इतनी बात। अब यहाँ बात रही कि आप फ्लुएंट क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में सबको आपको गलत